देखते हैं कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें एसक्यूएल का पहले पता होना चाहिए कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, इलाके के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हम वो लैंग्वेज यूज करके हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं या हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरीके से जो एसक्यूएल है वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के साथ रिलेशनल डेटाबेसिस है वहां तक इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बोलते हैं और इसका जो एब्रिविएटेड नेम है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेसिस। रिलेशनल डेटाबेसिस को हम इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज करते हैं। हम एसक्यूएल में फोर क्रड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। वो कौन से फोर ऑपरेशन है, ये क्रड ऑपरेशन क्या है। क्रड टी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। क्रिएट मीन आप कोई ना कोई डेटाबेस जो है अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इसको एसक्यूएल में आप परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और आप इसको एसक्यूएल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है उसको आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप उसको व्यू कर सकते हैं, ओपन करके उसको रीड कर सकते हैं। डेटाबेस को आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, आप उसमें कोई डेटाबेस में अपडेशन लाना चाहते हैं तो आप उसको एसक्यूएल के जरिए से, माई एसक्यूएल प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से आप इंटरेक्ट करके एसक्यूएल से रिलेटेड जो डेटा होगा वो अपडेट कर सकते। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज आप अपने डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक हमारे पास एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लोग जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप फेसबुक को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझे तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे नए हैं, आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आप अपने जो भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की होती हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपनी एक्टिविटीज को रीड कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद और रीड करते हुए अगर आप अपने डेटाबेस को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका क्योटी पासवर्ड जो है या आप अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं, अपनी लिंक्ड ईमेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ टाइम बाद अपने जो अकाउंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, तो जब आप उस अकाउंट को डिलीट करेंगे उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो आपका बैक एंड पे जो डेटाबेस सेव हुआ होगा वो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की एक थॉरो इंफॉर्मेशन है। जब भी एसक्यूएल की बात आती है तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको सीक्वल बोला जाए या एसक्यूएल बोला जाए। सीक्वल अगर पढ़ें तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके पीछे की कहानी है कि इसको एसक्यूएल बोला जाए या सीक्वल बोला जाए। 1970 में आईबीएम एक कंपनी है जिसको इंटरनेशनल आईबीएम कॉरपोरेशन के दो रिसर्चर्स थे, रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलेन। ये दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने 1970 में आईबीएम कंपनी के रिसर्चर्स होते हुए एसक्यूएल डेवलप किया था। स्टार्टिंग में इसको सीक्वल ही पढ़ा जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीक्वल से एसक्यूएल में कन्वर्ट हो गया। दोनों नाम ठीक हैं, नो वरीज एट ऑल। आप इसको सीक्वल भी बोल सकते हैं और इसको एसक्यूएल भी बोल सकते हैं। सो सीक्वल फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज एंड एसक्यूएल फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।